Good morning, children. Yesterday, we have finished chapter number 4 with its exercise 4.1 and its mixed exercise. And today, we are going to do its extra concepts, fill ups, mental maths, and true false. Let us start. Fill in the blanks. First is 24 is an even number. As you know, 24 is an even number because it is divisible by 2. But 29 is a dash number. 29 is not divisible by 2. So, 29 is an odd number. It's an odd number. Next, dash is neither prime nor composite number. Cons our number hai. जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट वन वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर थर्ड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है टू द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ टू फोर्थ देयर आर डैश प्राइम नंबर बिटवीन वन एंड फिफ्टीन वन और फिफ्टीन में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं वन और फिफ्टीन में से वन न तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट टू प्राइम नंबर है थ्री प्राइम नंबर है फोर कॉम्पोजिट है फाइव प्राइम है सिक्स कॉम्पोजिट सेवन प्राइम एट कॉम्पोजिट नाइन कॉम्पोजिट टेन कॉम्पोजिट इलेवन प्राइम ट्वेल्व कॉम्पोजिट थर्टीन प्राइम फोर्टीन Composite 15 is also composite. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prime numbers between 1 and 15. There are 6 prime numbers. Con, con say 2, 3, 5, 7, 11, and 13. Next is fifth part. द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज सबसे छोटा ऑड भी हो और कॉम्पोजिट भी हो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके फैक्टर्स होते हैं जैसे या मैंने फोर नहीं नोट किया तो फोर कॉम्पोजिट हुआ सिक्स कॉम्पोजिट है एट कॉम्पोजिट है नाइन टेन कॉम्पोजिट है क्योंकि इनके फैक्टर्स बनते हैं ट्वेल्व कॉम्पोजिट है राइट right? इन्होंने पूछे स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर तो ये तो इवन हो गया सिक्स भी इवन है एट भी इवन है नाइन ऑड भी है और कॉम्पोजिट भी है टेन कॉम्पोजिट ट्वेल्व कॉम्पोजिट तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ सबसे छोटा इन द सेंस के कॉम्पोजिट भी हो और ऑड भी हो नाइन इज ऑड एज वेल एज कॉम्पोजिट सो

फाइव एज इट इज टू वनजा टू फाइव एज इट इज फाइव वन जू इंटू टू फोर इंटू टू एट इंटू फाइव फोर्टी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एल्सियम सॉल्व करके चेक कर सकते हो एट right? और टेन का एल्सीय कितना आएगा फोर्टी राइट नेक्स्ट सेकेंड एच सी एफ ऑफ फोर्टी टू एंड सेवेंटी टू फोर्टी टू और सेवनटी टू का एच सी एफ एच सी एफ़ हाइस्ट कॉमन फैक्टर फोर्टी टू एंड सेवेंटी नंबर इज़ फोर्टी टू एंड सेवेंटी टू आप इसको लॉन्ग डिविज़न से भी सॉल्व कर सकते हो फोर्टी टू टू जा एट्टी फोर तो वन पे ही जाएगा ज़ीरो थ्री फोर्टी टू थर्टी वन ज़ा थर्टी ट्वेल्व थर्टी ट्वेंटी फोर सिक्स टू एच सी एफ इज इक्वल टू सिक्स वी हैव फोर ऑप्शंस फर्स्ट इज टू सेकेंड इज थ्री थर्ड इज सिक्स फोर्थ इज नाइन सो सिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन मीन्स सी सी इज द करेक्ट आंसर सिक्स एच सी एफ ऑफ फोर्टी टू एंड सेवेंटी टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम कौन सा नंबर प्राइम है फोर नो इव है सेवनटीन इवन फोर इवन भी है और कॉम्पोजिट भी है सेवनटीन ऑड है लेकिन प्राइम है ट्वेंटी फोर इवन एंड कॉम्पोजिट हंड्रेड इवन एंड कॉम्पोजिट सो प्राइम नंबर पूछा तो सेवनटीन इज द प्राइम नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ट्वेंटी एट थर्टी फाइव फोर्टी टू फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी सिक्स दीज आर मल्टीपल्स ऑफ विच नंबर मल्टीपल क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं जैसे हम बोलें कि टू के फर्स्ट फाइव मल्टीपल लिखो तो टू का टेबल फाइव तक सेवन के फर्स्ट फोर मल्टीपल सेवन का टेबल फोर तक सिमिलरली हमने ये चेक करना है कि इन नंबर में से ये वाले सारे नंबर किसके टेबल में आते हैं सेवन के टेबल में आते हैं सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट सेवन फ़ाइव ज़ा थर्टी फाइव सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन सेवन एट ज़ा फिफ़्टी सिक्स थ्री से ये डिविजिबल नहीं है ट्वेल्व से भी नहीं है और एट से भी नहीं है सो so सेवन के ये सारे ही मल्टीपल हैं क्योंकि सेवन के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं राइट नेक्स्ट पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इज को प्राइम की डेफिनेशन की थी को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एच सी एफ वन होता है मीन्स कॉमन फैक्टर वन तो थ्री और टेन में कॉमन फैक्टर क्या हुआ वन टू और सिक्स में कॉमन थ्री सॉरी टू इलेवन और ट्वेंटी टू में कॉमन एलेवन और थर्टीन और थर्टी नाइन में थर्टीन सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन थ्री एंड टेन इज इट इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर में प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं मीन्स ऑड और इवन का कोई प्रॉब्लम नहीं है नेचुरल नंबर होने चाहिए और उनमें एच सी एफ जो है वन होना चाहिए नेक्स्ट थर्ड ट्रू और फॉल्स फर्स्ट इज़ वन हंड्रेड फोर्टी सेवन इज अ प्राइम नंबर प्राइम नंबर कौन सा होता है जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होते सिर्फ एक तो वन फैक्टर होता है और वही नंबर होता है जैसे वन फोर्टी सेवन का एक तो वन पे डिविजिबल है और एक अपने ही नंबर पर लेकिन हम वन फोर्टी सेवन का चेक करके देखेंगे कि वन फोर्टी सेवन सेवन से डिविजिबल है येस yes, सेवन पे डिविजिबल है सो इट्स फॉल्स नेक्स्ट सेकेंड इज नाइन अ फैक्टर ऑफ वन फोर्टी सिक्स वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स क्या नाइन वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स का फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं नाइन वन जाइन सिक्स फिफ्टी फोर टू इज रिमाइंडर सो इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ नाइन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इट्स ऑल्सो फॉल्स थर्ड द सिक्स मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी इज अगर हम मल्टीपल की बात करेंगे तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो सिक्स मल्टीपल है ट्वेंटी इंटू सिक्स वन हंड्रेड ट्वेंटी लेकिन गिवन क्या है वन हंड्रेड एट्टी सो इट्स फॉल्स नेक्स्ट थर्टी टू सिक्सटी फोर एंड एट्टी आर आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ सिक्सटीन क्या ये सारे सिक्सटीन के मल्टीपल हैं सिक्सटीन टू जो थर्टी टू सिक्सटीन फोर जिक्सटी फ़ोर सिक्सटीन फाइव ज़ा एट्टी सो यस इट्स ट्रू ट्वेल्व इज कॉमन फैक्टर ऑफ ट्वेंटी एंड थर्टी सिक्स क्या ट्वेल्व ट्वेंटी और थर्टी सिक्स के कॉमन फैक्टर है क्या दोनों में आता है ये ट्वेल्व के टेबल में क्या ट्वेंटी आता है नो एंड ट्वेल्व के टेबल में थर्टी सिक्स आता है थ्री पे ट्वेल्व थ्रीज थर्टी सिक्स सो इट्स ऑल्सो फॉल्स राइट सो रिवाइज एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट फॉर वर्कशीट

फर्स्ट इज नॉलेज सेक्शन अंडर नॉलेज सेक्शन वी है ब्लैंक्स फर्स्ट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज स्मलेट प्राइम नंबर कौन सा था टू सेकेंड देर आर डैश प्राइम नंबर बिटवीन वन एंड फिफ्टी प्राइम नंबर थे सिक्स बी मेंटल मैथ्स फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे फर्स्ट है फोर इसके फैक्टर बनते हैं सेकेंड इज़ नाइनटीन इट इज़ डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर एट इसके कोई फैक्टर नहीं बनते सिर्फ वन से डिविजिबल है और नाइनटीन से थर्ड ट्वेंटी फोर के फैक्टर बनते हैं थर्टी नाइन के भी बनते हैं सो नाइनटीन इज़ द करेक्ट ऑप्शन सेकेंड एच सी एफ ऑफ एटी वन एंड नाइन्टी इज़ आप सॉल्व करके देखोगे एच सी एफ को हमने तीन मेथड किए थे यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग एनी वन एनी वन मेथड एंड पिक द करेक्ट ऑप्शन राइट डू इट योरसेल्फ सी ट्रू और फॉल्स द मल्टी एट द एट मल्टीपल ऑफ सिक्सटीन इज वन हंड्रेड ट्वेंटी ऑलरेडी हैव डिसकस्ड इन एक्स्ट्रा कंसेप्ट कि अगर मल्टीपल गिवन होता है कि सिक्स मल्टीपल है फिफ्थ है तो उस नंबर को आपको जो भी नंबर पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करना है सिक्सटीन सिक्सटीन का एट्थ मल्टीपल पूछा है तो सिक्सटीन इंटू एट करोगे तो आंसर आएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी दैट इज करेक्ट ऑप्शन सेकेंड इज फोर्थ फोर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ फोर एंड एट क्या फोर और एट के जो फैक्टर बनाएंगे उनमें से कॉमन फोर आएगा येस इट्स ट्रू

do it yourself second is find lcm of 15 55 by prime factor method so method is given in this sum so solve this sum by using this method only right second is short answers first sum is the hcf of 85 and 68 is 17 find their find their lcm so this sum is based upon relation between lcm and hcf which is which is Equal to product of two numbers is equal to LCM into HCF. So do it yourself. Second is find the greatest number that divides 816 and 916. Greatest means HCF, highest or greatest, both are same. Least or minimum words are used for LCM. So we will solve here HCF highest common factor. Right? It's an example. Third section is application. It has two sums. Solve both sums. What is the least number when divided by 98 and 105 has in each case 10 as remainder? लीस्ट मीन्स एलसीएम आप इनका एलसीएम सॉल्व करोगे और एलसीएम में टेन एड करोगे राइट right? और फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय फोर सिक्स एट एंड टेन आई हैव एक्सप्लेन दिस समेडे सो प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग दिस सम एंड देन ट्राई टू सॉल्व इन य वर्कशीट राइट स्टूडेंट्स डू दिस वर्कशीट योरसेल्फ, राइट हम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन के आप इस वर्कशीट को अपने आप ही सॉल्व करो इंस्टार्ड ऑफ के आप चेक पीछे से आप आंसर चेक कर रहे हो या कॉपी में से सॉल्व कर रहे हो देख के इट्स ऑफ नो यूज़ राइट सो डू प्रैक्टिस फर्स्टली Then try to solve and solve this worksheet in your notebook number two. Right? If you don't know how to solve this worksheet, then you can ask. I will tell you. Right? Thank you.